हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? फिर से मिल रहे हैं हम लोग संडे कमेंट बॉक्स में। हर संडे आपके कमेंट्स लेते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं। आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ट्राई करेंगे नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में उनको इंक्लूड करने की। चलिए, अगर चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेते हैं तो जो नोटिफिकेशन है नए वीडियोज़ की वो आपको मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है शिवानी शर्मा का। लिखते हैं, सर मेरे अंदर वाले जो टीथ हैं उन पर कैपिंग हुई है और सर गाल पर सूजन आ गई है, क्या करूं? कैपिंग को 1 दिन हुआ है अभी। ओके, देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है कि कैपिंग के बाद बाहर आपको सूजन आए। मसूड़ों में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है किसी किसी को, लेकिन बाहर आपको सूजन आ गई इसका मतलब अंदर इन्फेक्शन है। अंदर इन्फेक्शन था, आपको दर्द नहीं था, तो किसी कारण कैप लगाना पड़ा होगा, तो कैप लगा दिया गया है, लेकिन अंदर इन्फेक्शन है इसलिए बाहर स्वेलिंग आ रही है, चांसेस ज़्यादा ये है। तो इसके लिए अपने डॉक्टर से आप बात करें, वो चेक करेंगे, अगर अंदर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर कैप लगाया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है सहराज दिलनवाज का। लिखते हैं, थैंक यू सर, मैं भी जान निकलवाने की सोच रही थी, बट कोविड में कैसे कराएं RCT? ओके, देखिए दोनों ही कंडीशन में दांत निकलवाना और रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दोनों ही कंडीशन में आपको डेंटल क्लिनिक में जाना पड़ेगा। तो अगर आप विज़िट करते हैं, जैसे अभी प्रिकॉशंस के साथ ट्रीटमेंट हो रहे हैं, तो अगर आप विज़िट कर ही रहे हैं तो दांत को बचाने के लिए आप ज़्यादा ट्राई करिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने का ज़्यादा ट्राई करिए, और आपको सजेस्ट किया जाएगा कि उस दांत का रूट कैनाल हो सकता है या नहीं। अगर नहीं हो सकता है, निकलवाना ज़रूरी है तो निकलवाएं, लेकिन अगर बच सकता है तो उसे निकलवाएं, नहीं उसे RCT करवाएं, ताकि नेचुरल टूथ आपका बचा रहे। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है किशोर कुमार का। लिखते हैं, सर फिलिंग के बाद क्या फिलिंग का हिलना नॉर्मल है या फिर कोई प्रॉब्लम है? और जब भी कुछ भी खाते हैं उस दांत वाली साइड तो बहुत पेन होता है, तो वो कैसे होता है? ओके, देखिए फिलिंग आपकी हुई है और वो फिलिंग हिल रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। फिलिंग अगर आपकी हुई है तो वो हिलनी नहीं चाहिए, वो फिक्स रहती है। तो और जो आप पेन भी बोल रहे हैं, तो अगर आपको ज़्यादा पेन है तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, जैसे अभी हमने बात की, सिर्फ फीलिंग नहीं होगी। अगर पेन नहीं है, फीलिंग हिल रही है, तो फीलिंग को निकलवाइए, डॉक्टर निकालेंगे और दूसरी उसमें परमानेंट फीलिंग की जाएगी। पेन है तो दूसरा ट्रीटमेंट किया जाएगा, चेक कराए। थैंक यू। अगला कमेंट है धीरेन्द्र कालिता का। लिखते हैं, जब मैं अपना गम को मालिश करता है तभी 2 टीथ के गम से ब्लीडिंग होती है, उसका रीज़न प्लीज़ बता दो सर। ओके, देखिए आपके 2 गम्स के बीच से ब्लीडिंग होती है, ये होती है जिंजिवाइटिस के कारण, मतलब गम्स का इन्फ्लामेशन, मसूड़ों का इन्फ्लामेशन एक कंडीशन होती है उसके कारण। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना है, जो स्केलिंग होती है जनरली वो की जाती है डीप क्लीनिंग, गम्स की पूरी अंदर से आपकी सफाई की जाएगी, सफाई करते समय ब्लीडिंग हो जाएगी, उसके बाद कुछ मेडिसिन चलेंगी और 1 हफ्ते तक में आप ठीक हो जाएंगे। नॉर्मल प्रॉब्लम है लेकिन इसको बढ़ाना नहीं है, अभी करवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। अगला कमेंट है विक्की सोनी का, हैशटैग संडे कमेंट बॉक्स। लिखते हैं, सर क्या RCT करने के बाद उसके ऊपर कैप लगाने से आफ्टर 10 ईयर बाद ट्रिम किया हुआ टूथ ब्रेक और टूट जाता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए जिस दांत की RCT की जाती है, रूट कैनाल की जाती है, वो नॉन वाइटल हो जाता है, मतलब उसमें नर्व्स नहीं होती है, तो वो दांत ऐसा समझ सकते हैं कि जिंदा नहीं होता है, लेकिन नेचुरल टूथ को बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए उसके ऊपर कैप लगाते हैं। तो अगर ज़्यादा फोर्सेस आते हैं उसमें, अगर कैप नहीं है या कैप के साथ भी बहुत ज़्यादा फोर्सेस आ रहे हैं, लोड आ रहा है, तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिल हो जाता है। जैसे दूसरे दांत हैं हमारे, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा वीक वो हो जाता है, इसलिए कैप लगाया जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर ना आने दें, चांसेस होते हैं उसके टूटने के। थैंक यू। अगला कमेंट है अभय अरोरा का। लिखते हैं, जरकोनिया कैप के बाद टीथ के गम में इन्फ्लामेशन सूजन रेडनेस आ गई है और पेन हो रहा है, थोड़ा RCT वाले टीथ में ही बस। देखिए कैप जरकोनिया हो या कोई और भी कैप हो, अगर गम्स तक लगा हुआ है, मसूड़ तक लगा हुआ है, तो इन्फ्लामेशन हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं थोड़ा बहुत सूजन आपको आ सकती है, और ये कुछ दिन में नॉर्मल हो जाता है, गुनगुने नमक वाले पानी से आपको कुल्ले करने ठीक हो जाएगा, लेकिन दांत के अंदर दर्द हो रहा है तो इसके लिए आपको एक्सरे कराना है, कैप के कारण है तो ये ठीक हो जाएगा, अगर कुछ दिन में ठीक नहीं होता है फिर आपको डॉक्टर से चेक कराना है। थैंक यू। अगला कमेंट है
राघव का लिखते हैं, माउथ वॉश करने के जस्ट बाद कुल्ला करके मुंह क्लीन कर सकते हैं क्या? देखिए, माउथ वॉश हमारे मुंह को क्लीन करने के लिए ही होता है, और जब हम माउथ वॉश लेते हैं उसके साथ हम पानी भी लेते हैं, तो आपने उसको कुल्ला कर दिया। अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एक बार आप कुल्ला कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं भी करेंगे तो अच्छा है। माउथ वॉश करने के कुछ समय तक कुछ खाए पिए नहीं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। थैंक यू। अगला कमेंट है गौरव चक्रवर्ती का, लिखते हैं, सर मैंने आज अपना दांत निकलवाया है, ओके, और वो अभी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या करना होगा? आपको इसमें जो प्रिकॉशंस होते हैं वो फॉलो करने हैं, और दांत जो निकलवाया उसके बाद थोड़ा बहुत दर्द होना नॉर्मल होता है। मेडिसिन जो दी गई है वो लीजिए, ज़ोर से आपको थूकना नहीं है। अगर स्वेलिंग जैसा लगता है तो बाहर से आइस, बर्फ़ आपको लगानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठंडा खाना है और जो सॉफ्ट फूड है वो आपको अभी खाना है कुछ दिन के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है मनीष कुमार का, लिखते हैं, सर पेन है तो कन्फर्म है कि RCT ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पेन है तो RCT ही होगा, और भी किसी कारण से पेन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब डीप इन्फेक्शन हो जाता है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और पेन होता है तो ज़्यादातर केसेस में जब पेन होता है तो RCT ही करनी होती है, क्योंकि तब तक इन्फेक्शन इतना डीप हो चुका होता है। लेकिन ज़्यादा डीप इन्फेक्शन नहीं है, सेंसिटिविटी है, थोड़ा बहुत दर्द है, तो उसके दूसरे इलाज भी होते हैं, वो किए जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा पेन है तो RCT के चांसेस है। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है भारती सिंह का, लिखते हैं, मैंने कल ही करवाया स्केलिंग तो सबने बोला है दांत झड़ जाएंगे, मतलब टूटने लगेंगे अब। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और सबसे पहले कि सबकी बात ना माने, सब लोग सुनी सुनाई बातें करते हैं, जैसे उन्होंने किसी से सुना हुआ है ये, अब आपने भी इसको सुन लिया, अगर आप भी ये मान लेते हैं तो आप भी यही आगे सबको बताएंगे कि स्केलिंग से दांत हिलने लगते हैं। सफाई करने से दांत कैसे हिल सकते हैं? अगर आप रेगुलर क्लीनिंग कराते हैं तो ये आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत अगर आपके दांत हिलते हैं तो मसूड़े क्लीन होने के बाद हफ्ते से 10 दिन के बाद मजबूत हो जाते हैं, मतलब हिलते हुए दांत भी मजबूत हो जाते हैं, मसूड़े वापस से पकड़ लेते हैं। तो सुनी सुनाई बातों में हमें ध्यान नहीं देना है, जो प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअल में उससे होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दांत आपके झड़ जाएंगे, नॉर्मल प्रोसीजर है, क्लीनिंग करानी चाहिए। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई, होपफुली आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में आपके और कमेंट्स के साथ। नीचे जाकर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। FB और Instagram पर भी इजी डेंटिस्ट्री को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।